साथ यहाँ पर महिषासुर के जो चौथा पुतला है उसका भी दहन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार आए हुए हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। यहाँ के जो आयोजक हैं उनका भी कहना है कि इस बार की जो रामलीला है वो अपने आप में एक खास है और इस समय के अंदर की हम बात करें तो दर्शकों में काफ़ी उत्साह उमंग है, क्योंकि कोविड के 2 साल के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रामलीला के देखने पहुंच रहे हैं और जो मंचन किया जाएगा। हालांकि इस बार जो रामलीला के पुतले होंगे वो बिगर आतिशबाजी के चलेंगे, क्योंकि आतिशबाजी बैन है, लेकिन उसके लिए साउंड का भी प्रयोग किया गया है। जी संजय, वापस मैं रुख करूंगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ के अलावा महिषासुर का भी एक पुतला बाकायदा बनाया गया है जिसका दहन आज किया जाएगा। दिव्या का एक बार फिर से रुख करूंगी। दिव्या, आप तस्वीरें दिखाइए पंचकुला में और वहां जो रामलीला हो रही है वहां पर क्या खास बात है, जिस तरह हमने देखा यहाँ पर दिल्ली में संजय वर्मा ने बताया। रमेश चड्ढा जी, इस आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो संख्या लोगों की संख्या पिछले जो 2 साल पहले जो ये दशहरे का त्योहार मनाया गया था कब, लेकिन अब की बार जो 2 साल के बाद जो यहाँ पर दशहरा मनाया जा रहा है, हजारों की संख्या में जो है लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि परेड ग्राउंड की संख्या है यहाँ पर काफी संख्या है और सांस्कृतिक प्रोग्रामों की बात करें तो यहाँ पर सुबह 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए थे और उसके बाद जो है यहाँ पर जनता जो है आनी शुरू हो गई थी। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि वो दशहरा देखने आए हैं, अब की बार क्या कुछ नया है यहाँ पर। सर, आप दशहरा देखने आए 2 सालों के बाद, आज ये मौका मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि कितना भीड़ है। सो 2 साल के बाद हम लोग बहुत उत्साह के साथ हैं ये देखने। अब की बार क्या कुछ अलग देखने को मिला आपको दशहरे में? अब की बार तो सब कुछ तो वैसा ही है, लेकिन अब की बार क्या है कि बहुत सारे पे और बच्चे हैं, सब लोग हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि अब पर 2 सालों बाद जो ये मौका इनको मिला है, ये आज यहाँ पर पंचकुला के परेड ग्राउंड में पहुंचे। नन्हे नन्हे बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है। क्या नाम है बेटा आपका? सक्षम गुप्ता। कहाँ से आए हैं? ढकोली से। क्या देखने आए हैं आज? रावण। रावण को जानते हो? रावण कौन थे? एक बदमाश। बदमाश? तो आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर आज जो है मैदान में आए हैं और एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा और हमारे साथ बच्चा है। कहाँ से आए हैं? पत्रकार सुंदर भाटिया की जानकारी से। अच्छा, भाटिया जी की जानकार हैं आप। तो कहाँ से आए हैं आप? हम सेक्टर 12 से हाँ आए हैं। अब की बार क्या कुछ दशहरे में अलग से देखने को मिला है? इस बार तो बिल्कुल अलग सा दिखा है और खूब रौनक, मेला बहुत अच्छा है। बिल्कुल दिव्या, हम देख रहे हैं कि रौनक है, क्योंकि 2 साल कोरोना के बाद अभी मौका आया है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, रामलीला का मंचन देख रहे हैं और रावण दहन होते हुए भी अब से कुछ देर बाद हमारे जरिए देख पाएंगे। चरण में आपका रुख करना चाहूंगी, आप कहाँ पर मौजूद है, वहाँ की खास बात क्या है और वहाँ किस तरह का उत्साह, किस तरह की रौनक? चरण, आपको आवाज आ रही है? जी, आप तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि किस तरह की रौनक है वहां पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगी, एक पुतला और बनाया गया है, वो है भारत कोरोना मुक्त भारत, और लोगों के अंदर जो भय है, डर है कोरोना को लेकर, वो उस पुतले को आज जलाने के बाद जो उसका दहन होगा उसके बाद लोगों के मन से कोरोना का डर खत्म होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल तक जो कोरोना रहा उसकी वजह से लोग अपने त्योहार नहीं मना पाए। और हमारे साथ मौजूद सर, क्या कहें, कितनी देर बाद राम दहन होने वाला है? देखिए अभी घंटा भर लगेगा और 3 मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण के पुतले हमने रखे हैं, चौथा हमने कोरोना का रखा है। तो आप जानते हैं राम बाण जहाँ पर लग जाता है, राम बाण अशुक होता है और राम का बाण हम चाहते हैं आज कोरोना पर भी लगे, ताकि पूरे विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति मिल सके और जो दानव रूपी ये रोग यहाँ पर आया है उससे सब लोग मुक्त हो सके, दोबारा से अमन चैन कायम हो और लोगों के जो काम धाम पहले से चल रहे थे वैसे चलते रहे। क्या आदेश त्यागी, क्या कहेंगे आज के रामलीला के बारे में? आज की रामलीला के बारे में मैं यही कहूंगा कि राजेश, हमारे परम आदरणीय बड़े भाई राजेश गहलोत जी,
आज ये 10वां मंचन है द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी का, और बहुत ही सुंदर तरीके से और पूरी व्यवस्था से पूरी टीम बनाकर इसमें सभी टीमों को काम डिवाइड कर दिया जाता है, और सफाई से लेके मुख्य द्वार आप देख लीजिए तरह तरह के, उसमें हमारे जो देश में जिन लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं इस मातृभूमि के लिए, उनके गेट पर उनके नाम से उन द्वारों को बनाया गया, और रामलीला का यह यहाँ पर इतना सुंदर मेले की व्यवस्था की गई है, और 10 दिन का जो यहाँ पर ये रामलीला का जो मंचन होता है बड़े सुंदर तरीके से, इसमें बहुत सारे लोग कई हजार 20-25 हजार लोग रोज यहाँ पर इकट्ठे होकर देखते हैं मेले के अंदर। आप जाइए, इतना भव्य मेला का मंचन किया गया, और रामलीला पूरी रामलीला कमेटी को और हमारे बड़े भाई राजेश गहलोत जी को मैं इस बात की बधाई देता हूँ कि ये मुझे लगता है कि पहले नंबर की रामलीला है, इससे बड़ी इससे अच्छी व्यवस्था मुझे नहीं लगता कि कहीं होगी। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, और सभी का ध्यान क्या कहेंगे, कुछ क्या कुछ खास लगता है देखिए इस रामलीला में। बिल्कुल चरण, हम देख रहे हैं सभी अपनी तैयारियों को दुरुस्त बता रहे हैं। संजय, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी अभी, क्योंकि मौसम में भी कुछ तब्दीली देखी गई, कई जगहों पर बारिश भी हुई है। संजय, वहां पर तो कोई इस तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ है? देखिए, यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है, उमंग है, छोटे बच्चे भी यहाँ पर रामलीला देखने आए हैं। आपको दिखाना चाहूंगा, रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। यहाँ पर छोटे बच्चे हो बड़े हो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सबसे प्राचीन जो रामलीला है एक नए स्वरूप में यहाँ पर आई है, और यहाँ पर रामबल कुंभकर्ण मेघनाथ के साथ चौथा पुतला जो महिषासुर का है वो भी जलाया जाएगा। और सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी, जो महिषासुर का पुतला है वो महिलाओं के द्वारा जलाया जाएगा, क्योंकि जो महिषासुर जैसे दानव समाज के अंदर है उनको एक ये संदेश देने की कोशिश है कि महिलाओं के साथ किस तरह से जो दुराचार और व्यवहार करते हैं उनका भी हश्र एक दिन होगा। तो आप ये देख सकते हैं पूरा ये रामलीला मैदान है, और रामलीला मैदान के अंदर किस कदर बड़ी संख्या में जो लोग हैं दर्शक हैं वहाँ पर देखने के पहुँचे हैं। हम लोगों से बात करते हैं, मैं आप बताइए आप यहाँ पर आए कितना, 2 साल के बाद यहाँ पे पहुंचे रामलीला देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। आप बताइए, आप यहाँ आए 2 साल के बाद कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को? यहाँ बहुत मजा आ रहा है, सब बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम भी रामलीला का आनंद ले रहे हैं सारे। यहाँ पर लोग जो है रामलीला का पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं। छोटे बच्चों से भी बातचीत कीजिए, उनसे भी पूछिए उन्हें कैसा लग रहा है। किस कदर लोग बड़ी संख्या में उत्साहित होकर आए हैं, बच्चे हो बूढ़े हो जवान हो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और रामलीला का आनंद ले रहे हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर जो रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो 3 पुतले हैं उनको जलाया जाएगा, इसके साथ चौथे पुतले का भी दहन होगा। जी बिल्कुल संजय, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद यहाँ रावण दहन किया जाएगा। मैं पीछे आपके देख रही हूँ, ना सिर्फ महिलाएं बल्कि छोटी छोटी बच्चे भी बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचे हुए हैं। उनसे हो सके तो बातचीत कीजिए और उनसे जानकारी लीजिए कि उन्हें क्या पता है रावण के बारे में, विजयदशमी के बारे में, रामलीला के बारे में। जी, हम बिल्कुल कोशिश करते हैं उन बच्चों से, ये बड़ी संख्या में बच्चे आए। अच्छा बच्चों ये बताओ, भगवान राम के बारे में आपको क्या पता है? भगवान राम के बारे में क्या पता, भगवान राम को जानते हो? कौन से भगवान राम? शायद बच्चे देखे छोटे हैं। अच्छा ये बताइए बेटा, आप यहाँ पर आए हैं, भगवान राम कौन से भगवान राम, क्या जानते हैं भगवान राम के बारे में, क्या जानते हैं भगवान राम के बारे में, क्या जानते हैं आप भगवान राम के बारे में? मैंने सुना है कि भगवान राम ने रावण को हराया था। बच्चों को भी पता है, हालांकि यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ठीक है संजय, हम समझ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। चरण आपका भी शुक्रिया, दिव्या आपका भी शुक्रिया। तो सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अब से कुछ देर बाद पूरे देश में रावण दहन होगा, और आप कहीं मत जाइए अगर आप नहीं पहुंच पाए हैं रावण दहन देखने। तो जुड़े रहिए जी डेली एनसीआर हरियाणा के साथ, हम आपको सारी तस्वीरें दिखाते रहेंगे।